हेलो एवरीवन, आज हम ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भिंडी दाल फ्राई बनाएंगे। इसको बनाने के लिए क्या क्या करना है चलिए हम बताते हैं। मैंने दाल को पहले से धुल करके रख लिया है और गैस पे चढ़ा दिया है कुकर को। अब इसमें दाल को पकने के लिए डाल देंगे और इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डाल लेंगे। जितने पानी की ज़रूरत है हमें उतना डाल लेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ी सी एक छोटे चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और स्वादानुसार नमक डाल के इसका ढक्कन बंद करके अच्छे से इसको 2 सीटी आने तक पका लेंगे। और दाल मैंने ऐसी लिए मिक्स दाल लिया है मैंने, जिसमें 4-5 प्रकार की दालें मिली हुई हैं। आप चाहे तो सिर्फ अरहर की दाल से भी बना सकते हैं। और देखिए 2 सीटी आने तक के लिए इसको मैंने मीडियम आँच पर रख दिया है। और फ्राई करने के लिए क्या क्या चाहिए देख लीजिए। लहसुन है, मिर्च है, प्याज है, भिंडी को लिया है मैंने, और ये मसाले हैं जिसमें मैंने जीरा पाउडर लिया है, गरम मसाला है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है। ये सब सारी चीज़ें ले लिया है। लहसुन को और मिर्ची को हम खलबट्टे में अच्छे से कूट लेंगे। चाहे तो आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन एक कूटा हुआ थोड़ा अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और इस तरीके से प्याज को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए छोटे छोटे पीसेज जिसको कर लेने हैं काट करके। इसी तरीके से हम सारी प्याज को काट लेंगे। प्याज कट जाने के बाद फिर हम भिंडी को भी एक भिंडी के 2 टुकड़े बनाएंगे और उसको बीच में से फाड़ देंगे। इस तरीके से बीच में से उसको काट देंगे, ताकि अगर जब हम भिंडी भिंडी को तलें तो मतलब थोड़े तेल में अच्छे से ये तल जाए, बिल्कुल ज़्यादा तेल की ज़रूरत ना पड़े इसको तलने के लिए। और बहुत ही टेस्टी दाल बनती है भिंडी की दाल फ्राई। आप लोग भी ज़रूर बनाना एक बार। और देखिए मैंने सारे भिंडी और प्याज को काट लिया और हमारी दाल भी पक गई है। इसको हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से सिंपल सा आसान सा एकदम तरीका है और एकदम टेस्टी सी दाल बन के तैयार होती है। देखिए पैन को मैंने चढ़ा दिया है भिंडी को फ्राई करने के लिए। उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालते हैं। कुछ लोग भिंडी को बहुत डीप फ्राई करते हैं, लेकिन तेल नुकसानदेह होता है तो डीप फ्राई ना करें। इसको बस थोड़ा सा ही फ्राई कर लेते हैं ऐसे इस तरीके से। और देखिए अच्छे से भिंडी हमारी हो गई है बन करके रेडी। अब इसको एक तरफ रख देंगे, गैस को बंद करके। देखिए कितनी अच्छी तरह से पक गई है। अब इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए देखिए कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया है गैस पर। उसमें 4-5 चम्मच घी डालेंगे। आप अपने आवश्यकता अनुसार टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और घी गर्म हो जाएगा तो उसमें जीरा डाल देंगे। जीरा तड़कने के बाद फिर जब जीरा चटक जाएगा उसके बाद फिर इसमें प्याज को डाल देंगे, जो छोटे छोटे टुकड़े में काट करके रखा था। उसको डालने के बाद थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें लहसुन और अदरक का और मिर्च का जो पेस्ट बना के रखा था उसको अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसको चलाते हुए थोड़ी देर तक ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। मीडियम आंच पे ही सबको पकाना है। तेज फ्लेम पे करेंगे तो फिर सारी प्याज जल जाएगी। और देखिए प्याज हमारी अच्छे से भून गई है। तो इसमें हमने मसाले को डाल दिया है। जो सारा मसाला हमने लिया था उन सब मसालों को पानी में पहले से भिगो के रख दिया था। मसाले को भिगो के रखने से वो फूल जाता है और अच्छे से मतलब जब उसको पकाइए तो अच्छे से पक जाता है। देखिए मसाला हमारा पक गया, तो उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी को डाल दिया है मैंने। और इसको चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे मसाले। देखिए मसाले सब तेल छोड़ दिए हैं। अब इसमें भिंडी को भी हम मिला लेंगे, ताकि जितने मसाले हैं सारे भिंडी भी ऑब्जर्व कर ले और फिर दाल फ्राई जब करें तो अच्छी लगे। भिंडी भी देखिए अच्छे से मसाले में मिल गई है। अब इसमें हम दाल को डालेंगे।
देखिए मैंने अब दाल को भी इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से चला करके 2 मिनट के लिए गैस पे रखेंगे, उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और दाल को सर्व कर देंगे। बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फुल वॉच करिए वीडियो को। देखिए अब मैंने दाल को सर्व कर दिया है, बहुत ही यमी दाल बनी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना अपने अपने घरों में। देखिए इस तरीके से हमारी दाल रेडी हो गई है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो अच्छी लगे तो। नमस्कार।